कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। वो अपनी बहन को भी बाहर आने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि मैंने एक इग्लू बनाया है, तो तुम भी बाहर आकर मेरा इग्लू देख लो ना। लेकिन उसकी बहन उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कॉल पर बात कर रही थी। और वो मैक्स से कहती है कि नहीं आ रही मैं बाहर, मैं बिजी हूँ अभी। तभी उनके घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में उसकी बहन के दोस्त आए हैं, सब खेलने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मैक्स का बनाया हुआ वो इग्लू तोड़ देता है। जब ये देखकर मैक्स काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैक्स की मदर को देखते हैं जो कि उस टाइम कंप्यूटर पर बैठी अपना ऑफिस वर्क कर रही थी। तब मैक्स भी अपनी मदर के पास आता है और देखता है कि उसकी मदर तो काफी बिजी है। अपनी मदर से नाराज होता है, इसी वजह से वो टेबल के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। तब ये देखकर उसकी मदर उसे कहती है, बेटा ये क्या कर रहे हो, बुरी बात, नीचे उतरो फौरन। लेकिन मैक्स उनकी बात नहीं मानता बल्कि वो तो उनको काट कर घर से बाहर भाग जाता है। अब भागते भागते मैक्स समंदर के किनारे तक आ जाता है। वो एक बोट में बैठ जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि वो इस टाइम कहाँ पर जा रहा है, यानी कि ये कश्ती उसे कहाँ ले जा रही है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। इस तरह से मैक्स को इस बोट में 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। और फिर तीसरे दिन सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। लेकिन तभी समंदर में काफी तेज तूफान आ जाता है। इसी वजह से मैक्स को वहाँ पहुँचने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन फिर भी उस आइलैंड तक पहुँच ही जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मैक्स को अपने सामने आग जलती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ वो वहाँ पर कुछ अजीब तरह के दिखने वाले क्रिएचर्स भी देखता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं और वो उस पूरी जगह को तोड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैक्स उनसे डरता नहीं बल्कि भागकर वो उनके पास जाता है और उनके साथ मिलकर उस जगह को तोड़ने लगता है। लेकिन ऐसा करते करते मैक्स नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर उन क्रिएचर्स में से एक जिसका नाम कैरल होता है वो पास आता है और वो मैक्स से कहता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि तुम भी हमारे साथ मिलकर इस जगह को तोड़ सकते हो। अब यहाँ एक बार फिर से वो उस जगह को तोड़ने लगते हैं। अब इसी दौरान मैक्स जब एक घर को तोड़ रहा होता है तो उन क्रिएचर्स में से जो सीनियर होता है वो बाहर आता है और जब वो एक बच्चे यानी कि मैक्स को यहाँ पर देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर इस जगह को क्यों तोड़ा जा रहा है। और तभी आस पास के सारे क्रिएचर्स पास आते आते मैक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक छोटी मोटी कहानी सुनाता है कि मुझे मारना आसान नहीं है और तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की यानी कि मुझे मारने की कोशिश की तो देखना मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल कर लूंगा। इससे पहले मुझे कुछ बुरे क्रिएचर्स मिले थे जो साइज में तुम सबसे काफी बड़े थे, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने उनका सर हिधर से अलग कर दिया। तब ये सुनकर वो क्रिएचर्स पूछते हैं कि हो तो तुम इतने से तो फिर तुमने इतने बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स के सर कैसे उखाड़ दिए। तब मैक्स कहते हैं कि मैंने बताया तो है अभी मेरे पास पावर्स हैं और फिर बाद में जब मैंने उन क्रिएचर्स को मार दिया तो मुझे वहाँ का राजा बना दिया गया। तब ये सुनकर उनमें से एक क्रिएचर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जो गुस्से को और दुख को भी दूर कर दे और इंसान की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। तब ये सुनकर मैक्स कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी पावर सब कुछ कर सकती है। और जब मैं राजा था तो मेरे किंगडम में सारे लोग काफी खुश थे, कोई भी दुखी नहीं था, सभी लोग काफी मौज मस्ती में थे। अब मैक्स की ये कहानी सुनकर वो सारे क्रिएचर्स उसकी बातों में आ जाते हैं और वो भी मैक्स को अपना राजा बना लेते हैं। मैक्स के समेत सबके सब भाग रहे थे, खेल रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे थे। अब खेलते खेलते वो आइलैंड के किनारे तक आ जाते हैं, यानी कि अब उनके सामने सिर्फ समंदर था। यहाँ पर वो सारे क्रिएचर्स मैक्स के उनकी जिंदगी में आ जाने की वजह से बहुत ही खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसके जिसके साथ जमती थी वो कैरल था। खेलते खेलते एक दूसरे को पकड़ने पकड़ाने में मैक्स उनके नीचे दब जाता है। तब कैरल की बहन नीचे दबा हुआ देख लेती है, वजह से वो मैक्स के पास जाती है और यहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अगले दिन कैरल मैक्स को पूरा किंगडम दिखाने के लिए ले जाता है। काफी देर तक चलने के बाद वो एक डेजर्ट में आ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक काफी बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। अब मैक्स उसको देखकर काफी हैरान हो जाता है। तब कैरल उसे बताता है कि ये कोई खतरनाक क्रिएचर नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ एक डॉग है। अब ये लोग चट्टानों से गुजरते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। एक नक्शा दिखाते हुए बताता है कि हम बिल्कुल ऐसी ही दुनिया बनाने वाले थे। फिर मैक्स उस नक्शे के बीच में से अपना सर निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये किंगडम तो बहुत ही खूबसूरत है। वाह तुम्हारा किंगडम तो बहुत प्यारा है। लेकिन यहाँ पर कैरल उसे दुखी होते हुए कहता है कि हाँ खूबसूरत तो है लेकिन शायद ये कभी भी ना बन पाए क्योंकि हम तो ऐसा किंगडम बना ही नहीं सकते। तभी सुनकर मैक्स उसे कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, हम सिर्फ ऐसा ही किंगडम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक किला बनाना होगा। वो सारे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर मैक्स उन सभी को अपना प्लान समझाता है। वो सारे बड़े पत्थर तोड़ते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। वो आसपास की सारी चट्टानों को तोड़ देते हैं ताकि ये जगह बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल वैसे ही हो जाए।
जैसे नक्शे में हैं। यहाँ पर मैक्स भी सबको गाइड कर रहा था। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि शाम को ही उनका किला बन जाता है। अब अपनी मेहनत यानी इस किले को देखकर मैक्स और कैरल काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान कैरल की बहन भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों वहाँ डेजर्ट में खेलने लगते हैं। वहाँ उड़ते हुए परिंदों को पत्थर फेंककर मारती है। मैक्स को लगता है कि वो परिंदे शायद मर चुके हैं, लेकिन कैरल की बहन उन दोनों परिंदों को उठाती है और मैक्स को भी उन दोनों के बारे में बताती है कि ये भी हमारे दोस्त हैं। कहता है कि क्यों ना हम इन दोनों को भी अपने साथ किले पर ले चलें। इसके बाद मैक्स जब वापस आता है तो वो कैरल को सरप्राइज देते हुए उन दोनों परिंदों से मिलवाता है, लेकिन खुश होने की बजाय कैरल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सबको पता है कि ये हमारा किला है और ये दोनों परिंदे हैं, इसी वजह से ये हमारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकते। इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ से चला जाता है। समंदर के किनारे बिल्कुल अकेला बैठा होता है। कुछ टाइम के बाद मैक्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर मैक्स उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? तब कैरल उससे कहता है, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। इसके बाद सबको कुछ करने के लिए मैक्स एक गेम प्लान करता है जिसमें दो टीमें होंगी और दोनों एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करेंगी। अब जैसे गेम शुरू होती है सारे इधर उधर भागने लगते हैं और वो खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान कैरल और उसकी बहन की लड़ाई हो जाती है क्योंकि गलती से कैरल की बहन ने उसके फेस पर पैर रख दिया था। असल में उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बल्कि खेलते खेलते ऐसा हो गया था। अपनी बहन को डांटते हुए उसे कहता है, क्या तुम पागल हो, क्यों ऐसी फजूल हरकतें करती हो? उसकी बहन अपसेट होते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कैरल की बहन कहाँ गई होती है किसी को भी पता नहीं होता। इसीलिए वो सारे मैक्स को कहते हैं कि मैक्स तुम्हारे पास तो पावर्स है ना, तो तुम उन पावर्स का इस्तेमाल करो और जल्द से जल्द कैरल की बहन को ढूंढ लो। ऐसी बात है कि मैक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं थी और उसने ये झूठ सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बोला था। फिर अगले ही सीन में हम मैक्स को काफी उदास देखते हैं क्योंकि राजा होने के बावजूद भी वो उन सबको खुश नहीं रख पा रहा था। वो अकेला होता है और उदास होकर इधर उधर घूमने लगता है, किले को देखने के लिए आता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब मैक्स उस किले से बाहर आ रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में क्रिएचर्स का सीनियर मिलता है। यहाँ वो सीनियर मैक्स को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई राजा नहीं हो, उस दिन तुमने हम सबसे झूठ बोला था और तुम बस एक आम बच्चे हो, लेकिन हाँ प्लीज मेरी एक बात मानो, ये बात कैरल को कभी भी पता चलने ना देना क्योंकि वो ही इस बात से सबसे ज्यादा खुश है कि तुम राजा हो। अगले दिन मैक्स किले को तोड़कर उसमें अपना एक अलग रूम बना रहा होता है और तभी कैरल वहाँ आ जाता है और वो मैक्स से इसके बारे में पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब इस पर कहते हैं कि मैं एक राजा हूँ ना, तो राजा का अलग कमरा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपना ही अलग कमरा बना रहा हूँ। अब ये सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है, इसी वजह से वो पंच मार के किले की एक दीवार में होल कर देता है। फिर कैरल मैक्स से कहता है कि हम सब मिलकर एक साथ भी तो रह सकते हैं ना। अब जब रात होती है तो वो सारे बड़े सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें कैरल के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि कैरल ने वहाँ पर आग लगाई हुई है और वो कहता है कि हमारा राजा यानी कि मैक्स हमें खुश नहीं रख सकता और तो और मेरी बहन भी हमें छोड़कर चली गई है। गुस्से में वो मैक्स की तरफ ही आने लगता है और तभी वो सीनियर कैरल को रोकता है और उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूँ और वो ये कि मैक्स कोई राजा नहीं है, एक तरह से ये बिल्कुल हमारी ही तरह है, यानी इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इधर मैक्स अपनी जान बचाने के लिए किले से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते हुए जंगल में मैक्स को कैरल की बहन मिलती है और उसे फौरन पता चल जाता है कि मैक्स की जान खतरे में है, इसी वजह से वो मैक्स को उठाकर अपने मुंह में छुपा लेती है। इसके बाद कैरल उसके पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुमने मैक्स को कहीं पर देखा है? जिस पर उसकी बहन कहती है कि नहीं, मैंने तो उसे कहीं पर भी नहीं देखा। इसके बाद जब वहां से चला जाता है तो उसकी बहन मैक्स को अपने मुंह से बाहर निकालती है। यहां पर मैक्स इमोशनल होकर फैसला करता है कि अब मैं वापस अपने घर जाऊंगा। अगले दिन मैक्स भागता हुआ किले के पास आता है। यहाँ पर आते ही वो कैरल को ढूंढने लगता है क्योंकि आज मैक्स वापस जा रहा है और वो अपने दोस्त यानी कैरल से मिलना चाहता है। अंदर आने के बाद मैक्स देखता है कि ये पूरा किला टूटा हुआ है और आखिरकार उसे कैरल मिल ही जाता है जो कि सीनियर के साथ एक चट्टान पर बैठा होता है। यहाँ पर देखने में कैरल काफी उदास लग रहा था। फिर जब मैक्स कैरल के पास पहुँचता है तो वो सीनियर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहते हैं। यहाँ पर मैक्स कैरल
बिल को बताता है कि अब मुझे वापस जाना होगा। साथ ही साथ मैक्स ये भी बताता है कि हाँ सच में मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ और ना ही मैंने उन खतरनाक क्रिएचर्स को मारा था जिसका मैंने बताया था। मेरा नाम मैक्स है और मैं बस एक आम बच्चा हूँ। मैक्स की बातें सुनकर केरल काफी टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर वो सीनियर बोट को किनारे पर लाता है और बाकी क्रिएचर्स भी वहाँ पर आए होते हैं ताकि वो अच्छा सा प्यारा सा गुड बाय कर सके। अब यहाँ पर मैक्स के जाने से सभी काफी उदास और काफी इमोशनल होते हैं क्योंकि मैक्स भी उनकी फैमिली का एक मेंबर बन चुका था। उधर केरल किले में बैठा होता है और वो मैक्स को अपने दोस्त को याद करके रोने लगता है। उसे शर्मिंदगी होती है इस बात से कि मैक्स मेरा फ्रेंड था फिर भी मैंने उस पर हमला किया, कितना गलत किया मैंने। इसके बाद केरल भी भाग कर मैक्स को गुड बाय कहने के लिए आता है क्योंकि इसके बाद शायद कभी भी ना देख पाए। उधर वो सभी मिलकर बोट को पानी में ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर मैक्स भी उदास होकर केरल को ही देख रहा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसी से अटैच था। बोट चल पड़ती है लेकिन तभी मैक्स केरल को अपनी तरफ ही आता हुआ देख रहा था। यहाँ पर केरल रोते हुए मैक्स को गुड बाय करने के लिए पानी के अंदर ही आ जाता है। इसके बाद वो सब मैक्स के लिए विसल बजाने लगते हैं। मैक्स जब उनकी आवाजें सुनता है तो वो भी जवाब में विसल बजाने लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो बोट काफी दूर आ जाती है। वो अपनी मदर को काफी याद भी कर रहा था इसीलिए उनसे मिलने के लिए वो एक्साइटेड भी था। बोट से उतरते ही मैक्स अपने घर की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है वहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। मैक्स यहाँ पर अपनी मदर को ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहता है लेकिन तभी अचानक से मैक्स की मदर वहाँ पर आ जाती है और आते ही वो अपने बेटे मैक्स को गले से लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स खाना खा रहा होता है और उसकी मदर उसके पास ही बैठी हुई अपने बेटे को बड़े गौर से देख रही होती है। और अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि असल में मैक्स ने अभी तक जो कुछ भी देखा था यानी कि वो आइलैंड, वो क्रिएचर्स, वो किला, सब कुछ वो सब कोई असल में नहीं थे बल्कि वो सब तो मैक्स की इमेजिनेशंस थी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।